नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, कहीं दूर नहीं है हम, बनमन की स्टेशन रोड बस स्टैंड और स्टेशन रोड के बीच में खड़े हैं। हाई पानिया देखिए, ये पानी आज से पहले लगता नहीं था, लेकिन है जब बगल में नाला बनी है, ये नाला के वजह से पानी रुक गया है। इंजीनियर साहब का क्या कहना है और कैसे काम कराए हैं आप खूब बढ़िया से जानते हैं। बिहार सरकार में इंजीनियर साहब का क्या मनमाना चल रहा है ये भी समझ रहे हैं। रोड नीचे है और नाला ऊपर है, इसके वजह से पानी लग रही है और नाला में जो पानी जाना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। बोले तो यहाँ की जनता ने कुछ कहा कि इस नाला का तो उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन पनिया भर गया है। इस बनमन की परिषद के जितने भी पदासीन लोग हैं जो पद पे बैठे हुए हैं, वो देखें कि इनको किस तरीके से हम सुचारू रूप से कार्य करवाएं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। प्रहलाद नगरी के नाम से जाने वाले बनमन की का ये दुर्दशा पूरा संसार देखे, ये मैं दिखाने आज यहाँ आया हूँ। चूँकि यही नहीं, हर जगह बनमन की में पानी कहीं ना कहीं आपको लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि पब्लिक के आवागमन में इतनी परेशानी हो रही है। पब्लिक इतना परेशान है जिसका कोई जवाब नहीं है। कुछ पब्लिक तो वार्ड कमिश्नर के रिश्तेदार बता के कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ पब्लिक डर से नहीं बोलना चाहते हैं, हो सकता है कि वो दबंग हो, लेकिन दिखाना मेरा काम है। यहाँ बस स्टैंड रोड में ये पानी अशोभनीय है। बनमन की बस स्टैंड से MS परदेसी। पीछू है उधर का पानी आता, वो नाला बना, इधर का पानी आ रहा है, वो पश्चिम से वहाँ जो है नाला बना है। हाँ। वहाँ वही नाला सिनेमा हॉल वाला, सिनेमा हॉल वाला। हाँ, उधर से। हाँ, वो टूट गया है क्या? नाला टूट गया है तो नाला का तो उद्घाटन नहीं हुआ, टूटा कैसे? पता नहीं कौन सी करता है, कौन करता है नहीं करता है, के उद्घाटन करेगा, के बनाएगा, क्या अच्छा करेगा। अच्छा चाची, ये बताइए आप, ये जो बस स्टैंड वाला रोड है, इसमें इतना पानी लगा हुआ, किसको दोषी मानते हैं? पहले नहीं लगता था। अच्छा, अब लगता है जब से नाला बना है। मतलब जब से नाला बना तभी से लगता तभी से लगता है। ये तो बड़ा गजब बात हो गया। नाला बनने से तो पानी निकासी होता है, यहाँ पानी जब निकासी होता है उल्टे हो गया। उल्टे हो गया। हाँ। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद गुलफराज। अच्छा, ये पानी जो है इससे पहले कभी ऐसा लगा हुआ देखा था? नहीं, कभी नहीं देखे थे। बारिश ये नाला के वजह से पानी लगी है क्या? नहीं, नाला में पानी घुस नहीं रहा है, इसी कारण। नाला में पानी घुस नहीं रहा जी, यही वजह है कि पानी बीच में सड़क पे एकदम जमा हुआ है जी। बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है जाने आने से। ऊंचा नाले हो गए बना। हाँ जी। अच्छा, ये मैडम पानी में जो लगा हुआ है सड़क पे, इसके बारे में क्या कहना है आपको? कैसे कब से लग रही है पानी? दो तीन साल से। हम कैसे बोलेंगे, सबको प्रॉब्लम है। आप पानी जा नहीं रहा कहीं नाला में? नाला पास होगा तभी ना। नाला पास तो बना दिया, लेकिन पास वो ये नहीं रहा तो नाला कौन खरीदा? नाला पास नहीं हो रहा, इस वजह से पानी लगी हुई है जी। क्या प्रॉब्लम है मैडम आपको? उधर से पानी आ रहा है तो क्या करेंगे? कहाँ से पानी आ रही है? नाला तरफ से। नाला टूट गया है। कौन वाला नाला टूट गया? सिनेमा हॉल का। सिनेमा हॉल का। अच्छा, ये जो आपका बाथरूम देख रहे हैं पूरा पानी में डूबा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना, देखिए रहे हैं, क्या कहेंगे, उधर से पानी आ रहा है, हम काफी प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी है। हाँ। अच्छा, ये कितना नंबर वार्ड है, कुछ पता है आपको? छह नंबर है। हाँ। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब किसका नाम बोलेंगे, यानी कौन नाला टूटा है? वो सिनेमा हॉल वाला। हाँ, सिनेमा हॉल वाला। हाँ। अच्छा अच्छा, तो वो जो वो सब है उन्हीं के साइड में टूटा हुआ है। हाँ। जी, क्या नाम हुआ बाबा आपका? सीताराम जी, धन्यवाद। ये जो अभी पानी टप रहे हैं बनमनखी में, कहीं ऐसा पानी है? नहीं है, यही रोड पे सिर्फ पानी लगता है। यही रोड पे? ये कौन सा रोड हुआ? बस स्टैंड स्टेशन रोड। बस स्टैंड स्टेशन रोड ना जी। क्या नाम हुआ सर? शंकर कुमार यादव जी, धन्यवाद। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको पानी में टपे में, कैसा लग रहा है? पानी। अच्छा, ये आपका आपका बैटरी वोटरी जो अभी पानी टप रहे हैं, रोडे पर पानी लगा हुआ है तो नहीं जाएगा? यही रोड पर लगा हुआ है। बस स्टैंड स्टेशन रोड ना। क्या नाम हुआ? सरकार की जिम्मेवारी है जी। बनमनखी का दुर्भाग्य है कहा जाए। हाँ, बनमनखी का दुर्भाग्य है कि जी। क्या नाम हुआ सर? मेरा सूरज मंडल नाम हुआ जी, धन्यवाद आपका।